कोई कह रहा है मैम आपके सारे क्वेश्चन आज बायजू वाले हैं, ये देखो ऐसी ऐसी बातें करते हो ना आप लोग, कई बार तो हंसी आ जाती है मुझे, है ना। इसमें से 90% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब क्या करें अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के ना देखा हुआ कभी, क्या करें, है ना। कोई भी मतलब आपके जो भी आप संस्था का नाम ले रहे हैं, अब सबका नाम तो यहाँ लेना पॉसिबल नहीं है और जरूरत भी नहीं है उस चीज की, बट आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस पे किसी का अधिकार नहीं है। अब कोई उठा के प्रीवियस ईयर कहीं डाल के रखे हुए तो पता भी नहीं कितने तो वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दिमाग में आपकी चीजें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, प्रीवियस ईयर आपने प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं। ये सेम टॉपिक्स हैं, अगर पढ़ लोगे तो फायदा होगा और इन बातों में फोकस करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखते हुए मतलब सुना है कि मान लो जैसे मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर करा रही हूं कभी, तो वो कहेंगे हमने तो ये क्वेश्चंस कब के करा दिए, हमें कॉपी कर रहे हैं। बताओ ऐसे लोगों का कहां से इलाज ढूंढोगे। अब मेरे पास तो उतना समय नहीं है ना कि मैं ये फालतू बातें करूं कभी भी। क्वेश्चंस पे पहली बात तो किसी का कॉपीराइट नहीं होता, और दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के नहीं देखोगे तो ऐसा ही लगेगा आपको कि यार वहां पे भी ये कराया गया था, यहां पे भी ये करा दिया गया, तो हंसी आती है फिर इस तरह की चीजों पे। और मुझे ये कुछ फायदा होता नहीं है कुछ बोल के फलाने कॉपी कर लिया, मेरी कभी भी अप्रोच नहीं रही, है ना। प्याजे कोई मैंने तो बनाया नहीं है प्याजे की थ्योरी, सबने बनाई हुई है, जिसका जैसे मन करे कराओ डिस्कस। नहीं, बेकार की बातें होती है, इनका कोई पॉइंट नहीं होता।